नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई को आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो है हरेक वंश के बारे में पढ़ा था, हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद हमने देखा था कि हरेक वंश के आखिरी शासक जो है नागदशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग के द्वारा की जाती है, उसके बाद जो है एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। तो अब इस क्रोनोलॉजी को आपको जो है लगातार याद कैसे रखना है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ट्रिक हसीना, हसीना को याद रखिएगा, आपको आराम से याद रहेगा। हसीना में जो पहला जो वंश होगा वो हरेक वंश होगा, ठीक। दूसरा में शिशुनाग वंश, ठीक, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है खुद शिशुनाग रहते हैं, और ना से हो जाएगा नंद वंश, यानी आप समझ रहे हैं शिशुनाग के बाद जो है नंद वंश आ जाएगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन आएंगे, सारी चीजें जो है आज हम लोग बात करेंगे इस हसीना में से, शिशुनाग वंश के बारे में और फिर ये नंद वंश के बारे में। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा और लिख लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं इस शिशुनाग वंश के बारे में। अगला देख रहे थे शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है खुद शिशुनाग रहते हैं, और यह शिशुनाग जो है हरेक वंश के आखिरी शासक नागदशक की हत्या करके जो है ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं। और ये शिशुनाग कौन रहते हैं, तो ये जो है नागदशक के समकालीन उस वक्त जो है वो नागदशक के सेनापति रहते हैं, और सेनापति जो है राजा की हत्या कर देता है, उसका ये खुद अपना एक राजवंश शिशुनाग वंश की जो है स्थापना करते हैं इस मगध की गद्दी पर। ये मगध जो है विस्तार रूप से था, तो ये मगध, लेकिन मगध के नाम से ही साम्राज्य चलाया जा रहा था और राजधानी थी, ये राजधानी जो है वैशाली को बनाते हैं। इसके बाद शिशुनाग का पुत्र कलाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके समय जो है द्वितीय बौद्ध संहिति हुई थी, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरी बैठक हुई थी। इससे पहले हमने बताया था पहली बौद्ध संहिति कब हुई थी, वो जो हुए थे अजातशत्रु के काल समय हुई थी, और वो किस समय हुई थी आपको पता होगा, 483 ईसा पूर्व में हमने कहा था, जब भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उससे ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संहिति के जो है यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संहिति का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ किया जाएगा, तो उस वक्त किया गया था राजगीर में, क्योंकि राजगीर राजधानी थी, अब किया जाएगा वैशाली में, क्योंकि जो शिशुनाग लोग का राजधानी कहाँ है, वैशाली है। तो यहाँ पर 100 साल बाद जो है द्वितीय बौद्ध संहिति, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, अब बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु को अभी 100 साल हो गए हैं, अब आगे क्या कुछ किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो बैठक हुई 383 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे सभा कामिल। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टोटल जो है चार बैठकें हुई थी, यानी चार संहिति हुई थी। इन सारे चीज को हम एक ट्रिक के माध्यम से आगे हम आपको बताएंगे, फिर कभी आपको हम बौद्ध धर्म अगर पढ़ाएंगे उस वक्त एक ट्रिक से सारे बौद्ध जो है ये बौद्ध धर्म की जितने भी बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे और किस राजा के समकालीन हो रही थी, ये सारे चीजें एक ट्रिक में आपको मिल जाएगी बाद में। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश पर फोकस करते हैं। फिर जो है कलाशोक के बाद कलाशोक जो है और एक प्रमुख चीज करते हैं कि ये राजधानी जो है पाटलिपुत्र फिर ले जाते हैं। आपको पता होगा ये पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करते हैं, वो हरेक वंश के उदयन करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए रिलेट करते जाएगा कहानी की तरह से, कहानी की तरह से इसे सभी चीज को आप रिलेट करके याद रखने का कोशिश कीजिए। फिर कलाशोक के बाद जो है उसका पुत्र नंदी वर्मन जो है इस मगध गद्दी पर बैठता है। लेकिन ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाए शिशुनाग वंश का आखिरी शासक कौन है, नंदी वर्मन, शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग, तो इस नंदी वर्मन की हत्या जो कर देता है वो महापदम नंद करता है, महापदम नंद कर देता है और इस मगध की गद्दी पर बैठता है। ये महापदम नंद दोस्तों एक कहा जाता है कि इतिहासकार लोग कहते हैं कि एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, यानी इस मगध की गद्दी पर एक शूद्र का फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर कब्जा हो जाता है, इस मगध की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं महापदम नंद, उस वंश का नाम होता है नंद वंश, यानी हम यहाँ पर पढ़ाए थे नंद वंश के बारे में। तो ये नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो महापदम नंद ने किया था। तो हमने देखा दोस्तों शिशुनाग वंश के आखिरी शासक की हत्या करके जो है महापदम नंद जो है इस मगध की गद्दी पर बैठता है, और जो है इस शिशुनाग वंश के आखिरी शासक कौन रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं नंदी वर्मन। नंदी वर्मन की हत्या कौन करते हैं, महापदम नंद।
और कहा जाता है कि महापदानंद जैसे मैंने पहले बता दिया शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, ये जो है सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किए थे। सर्व छत्रांतक, सर्व मतलब सभी जगह से छत्रियों का नाश करने वाला, ऐसा कहा जाता था कि ये छत्रियों को देख कर ही गुस्सा जाते थे और सभी जगह से छत्रियों का नाश करने वाला महापदानंद, ऐसा कहा जाता था, इसकी उपाधि धारण किए थे। इन्हें देखा जाए तो मगध एक विशाल साम्राज्य हो गया था दोस्तों, लेकिन इसके नीचे एक कलिंग साम्राज्य था। ये जो है इस कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी याद रखिएगा कलिंग विजय वो अशोक तक करते ही है, उससे पहले देख सकते हैं महापदानंद जो है कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और दोस्तों कलिंग पर आक्रमण करने के बाद जो है ये एकराट की उपाधि धारण करते हैं, तो एकराट की उपाधि जो है महापदानंद का धारण करते हैं तो कलिंग विजय के बाद। हम आगे और देखते हैं कि कलिंग पर आक्रमण जो अशोक के द्वारा भी किया गया था, कारण ये था कलिंग पर जब भी जो है राजा उतना ध्यान नहीं देता था इस कलिंग पर, तब जो है यहाँ का राजा फिर से जो है शासन स्थापित कर देता था। ठीक, तो कलिंग पर आक्रमण महापदानंद ने भी किया था, उस वक्त ये एकराट की उपाधि धारण करता है। इस वंश का अगला शासक जो है घनानंद करता है, इस नंद वंश का आखिरी शासक भी कह सकते हैं घनानंद। और इसी घनानंद के ये मगध की गद्दी पर जब बैठा था उस वक्त जो है इस देश से उत्तरी पश्चिमी एरिया से जो है सिकंदर, जो विश्व विजेता सिकंदर, ये दुनिया को जीतते हुए इस भारतवर्ष में ये जो है यहाँ पर इस कह सकते हैं उसका द्वार पर खड़ा था। उसी वक्त जो है तक्षशिला में एक चाणक्य नाम का एक विद्वान रहता था जो मगध का ही था, वह देखा कि जो है विश्व विजेता सिकंदर एक बहुत विशाल सेना लेकर इस भारतवर्ष की धरती पर आ रहा है, तो उसने जो है जाकर घनानंद से जाकर अवगत कराया, देखिए एक विशाल सेना लेकर एक महान राजा जो इससे पहले बहुत सारे राजाओं को हरा कर ये भारत की ओर आ रहा है। तब जो है घनानंद ने चाणक्य को अपमान करके जो है अपने साम्राज्य से निकाल देता है। और किस तरह से चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हीरो को बनाता है और इस मगध की गद्दी पर कैसे बिठाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी मौर्य वंश के बारे में। तो हम लोग मौर्य वंश अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, आगे हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।